हरियाणा के भिवानी जिले में गरमाई सियासत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पायल रावत और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। लालचंद जांगड़ा और राजेंद्र तंवर ने कहा, हरियाणा के भिवानी जिले में हनुमान गेट स्थित बाबा नत्थुनाथ के मंदिर में एससी व बीसी के संगठनों की एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आने वाले नगर परिषद चेयरमैन के चुनाव और एमसी के चुनाव के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा, क्योंकि भिवानी शहर में मतदाताओं की संख्या लगभग 1,80,000 के करीब है। इनमें से 45,000 मतदाता एससी समाज के हैं और 70,000 मतदाता बीसी समाज के हैं, लेकिन हर बार चेयरमैन एससी ओबीसी समाज का नहीं बनता। लालचंद जांगड़ा और राजेंद्र तंवर ने कहा कि इस बार लड़ाई मंडल और कमंडल की होगी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लालचंद जांगड़ा और राजेंद्र तंवर ने कहा, अगर एससी ओबीसी समाज इकट्ठा होकर के इलेक्शन लड़े तो एमसी वार्ड और चेयरमैन इन समाजों से बन सकता है। लालचंद जांगड़ा और राजेंद्र तंवर ने कहा, 6 तारीख की मीटिंग सुबह 11 बजे जो हरियाणा के भिवानी जिले में बाबा नत्थुनाथ के मंदिर में होगी, जो हनुमान गेट पर स्थित है। एक प्रयास है एससी और ओबीसी को इकट्ठा करने का और भाईचारा बढ़ाने का। प्राइम न्यूज 24 के लिए सोनू पवार की रिपोर्ट। अभी 2 महीने बाद भिवानी नगर परिषद के चेयरमैन व एमसी के चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनाव में विभिन्न पार्टियों ने, विभिन्न जातियों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ब्राह्मणों की आबादी भिवानी शहर में 12,000 के लगभग है, 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। राजपूतों की आबादी 11,000 है, 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। जाटों की आबादी 8,000 है, 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। बणियों की आबादी 7,000 है, 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। पंजाबियों की आबादी 13,000 है, 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। लेकिन जैसा कि आप सबको मालूम है, भिवानी नगर परिषद में जो मतदाता है उनकी संख्या करीब 1,65,000 के करीब है। इस 1,65,000 में से 45,000 वोट एससी समाज के हैं और लगभग 65,000 वोट बीसी समाज के हैं। सवर्ण समाज के केवल 55-60,000 वोट हैं और हर बार इन्हीं लोगों का चेयरमैन बनता रहा है, लेकिन इस बार भिवानी नगर परिषद के चेयरमैन में लड़ाई मंडल और कमंडल की होगी, क्योंकि वोट हमारे ज़्यादा हैं और बाबा साहब ने कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने पुकारा है धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो हम 6 तारीख को हनुमान गेट पर स्थित बाबा नत्थुनाथ के मंदिर में एससी और बीसी के जितने भी संगठन हैं भिवानी में, उन सब की एक मीटिंग बुलाने जा रहे हैं और उस मीटिंग में बैठ करके चेयरमैनी और एमसी के चुनाव पर चर्चा होगी और हम कोशिश करेंगे इस बार इन दोनों समाजों से एक ही व्यक्ति चुनाव मैदान में उतरे और हम इन लोगों को सबक सिखा सकें। नगर परिषद की जो एससी की सीट इन्होंने कम की है, 6 की जगह 5 की है, उसके बारे में हम संघर्ष करेंगे, पुरजोर लगाएंगे और पूरी 6 की 6 हम इनको वापिस लौटा के देंगे। दूसरी बात, अगर जो क्रिमिनल लेयर जो इन्हें 6 लाख करी है उसका हम कड़ा विरोध करते हैं सरकार का, और के तो या मान जाए सीएम, नहीं हम पूरा हरियाणा के अंदर आंदोलन करेंगे। जो 6 तारीख को एससी और बीसी की मीटिंग बुलाई है नत्थुनाथ मंदिर में, उसमें चेयरमैन का बारे में चर्चा होगी और आगे भविष्य में लड़ने की तैयारी करेंगे एससी बीसी, और एक ही एससी बीसी का चेयरमैन मिलके बनाएंगे।